हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके ला रहा हूं मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से इसका पार्ट टू यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यहां पर आज हम इसके चैप्टर 15 एंड 16 कवर करेंगे और यहीं पर हमारी क्लास 11 की जो पार्ट टू वाली बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 12 की बुक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम मैं बता दूंगा अगर कौन सा नाम है उसका। उसके बाद क्लास 12 की बुक स्टार्ट होगी, तो आप बने रहिए चैनल पर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अन लोगों से भी बोलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर एनसीईआरटी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है? तो आप चैनल पर बने रहें और आपको आगे काफी लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, कभी अभी एक दो दिन से मेरी वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी, थोड़ा फोन वगैरह की टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से दिक्कत थी। अब मिस नहीं होंगी, रेगुलर रूप से वीडियो आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। और आपको मैं जल्द ही यूपी वाला जो यूपी स्पेशल वाला जो प्रोवाइड करवा रहा था वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कल से या फिर आज से ही प्रोवाइड करवा दूंगा मैं वो वीडियो। एक फर्स्ट वीडियो ला चुका हूँ, इसके अलावा सेकंड वीडियो लाने की बाकी है। इसकी टोटल लगभग 6 या 7 वीडियो आएंगी, तो वो वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा यूपी ज्योग्राफी वाली। तो आप बने रहिए चैनल पर और जुड़े रहिए, तो आपको आगे आने वाले दिनों में लाभ भी मिलेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो सकेगी। तो देखते हैं आज हम अपने चैप्टर 15 एंड 16 के एमसीक्यू देखते हैं। चैप्टर नंबर 15, ये हमारा है पृथ्वी पर जीवन। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन जैव मंडल के अंतर्गत शामिल है? देखिए, इसमें जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? केवल वनस्पति जात, केवल प्राणी जात, सभी जैव व अजैव जीव या सभी जैविक जीव। देखिए, जैव मंडल के अंतर्गत सभी जैव और अजैव जीव दोनों ही आते हैं, तो यहां पे आंसर है सी। सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? देखिए, परतंत्र को परतंत्र क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव रहते हैं। पहला वाला तो गलत हो गया, ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सेकंड है, वे क्षेत्र जहां किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। तो बी वाला यहां सही है कि वे क्षेत्र जहां किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, तो उसे परतंत्र कहा जाता है। तो यहां आंसर है इसका बी। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं, तो पहला वाला यहां सही है। सेकंड है, पृथ्वी पर विभिन्न बायोम का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। ये भी सही है कि पृथ्वी पर विभिन्न बायोम का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां दोनों ही सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। चौथा है हमारा, निम्न में से कौन से अपघटक हैं, यानी कि इनमें से कौन से अपघटक हैं? अपघटक क्या होता है? अपघटक को कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का मतलब होता है अपघटक। देखिए, अपघटक सॉरी डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक, अपघटक अपघटक का मतलब होता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, उल्टा बोल गया था। तो डीकम्पोजर इसमें से कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं आपको। देखिए, गिद्ध ये भी एक अपघटक है, ये मृत सड़े गले पदार्थों को खाकर समाप्त कर देता है, जो अपघटक है गिद्ध। इसके अलावा जो है वो है विषाणु नहीं है, विषाणु यहाँ पे नहीं है, विषाणु अपघटक नहीं है। जीवाणु है अपघटक, तो तीसरा वाला भी सही है। बैक्टीरिया है अपघटक, यानी गिद्ध जीवाणु बैक्टीरिया ये तीनों ही अपघटक हैं, ठीक है? बल्कि यहाँ पे विषाणु अपघटक नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर है डी, 1, 3 और 4। पांचवा है हमारा प्रश्न, परतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। परतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ये बिल्कुल सही है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड है, खाद्य श्रृंखला एक जीवित जाति की समिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है, ये गलत है। देखिए, खाद्य श्रृंखला एक जीवित जाति की समिष्ट के अंतर्गत नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की कई जातियां भी शामिल होती हैं, ठीक है? तो ये केवल जीवित जाति तक ही नहीं बल्कि मृत वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को का जो दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं निर्देशन करती है, ये गलत है। प्रत्येक जीव की संख्या यानी समिष्टि जो दूसरों द्वारा खाई जाती हैं
का निदर्शन पोषण स्तर कहलाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला। यानी कि प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है उसका जो निदर्शन होता है वो पोषण स्तर कहलाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे तीसरा वाला भी गलत हो गया है, पहला वाला ही केवल सही है, तो आंसर है केवल ए। छठा है हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। यहाँ पे आंसर है इसका बी। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोकेमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को प्रभावित करता है, ठीक है, परिभाषित करता है, ये बताना है यहाँ पे कौन सा कथन है। ठीक है, तो इसमें पहला है जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह, ये पहला वाला ही सही है। यहाँ पे देखिए भू रासायनिक चक्र को जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का जैव प्रवाह, यही इसकी मतलब यही परिभाषित करता है पहला वाला कथन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है केवल ए। आठवां है हमारा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहते हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, सवाना घास के मैदान, तो इन्हें सवाना कहते हैं, तो यहाँ आंसर है बी। नवा है हमारा, टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए टुंड्रा जलवायु जो है वो एक तरह से शीत स्थल है, तो ये इन्हें टुंड्रा जलवायु प्रदेश को मरुस्थली बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो यहाँ आंसर है बी। दसवां प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज दोनों ही बनाते हैं, तो यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं, ये भी सही है कि पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स प्रयुक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे यानी जो कार्बोहाइड्रेट पौधों की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते वो पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं, या दोनों ही सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। ग्यारहवां प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है वह आती है। देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है वह जल से आती है, ठीक है, वह जल से आती है, तो यहां आंसर है ए। बारहवां प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन चक्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। पहला है अधिकांश जीव वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, ये देखिए पहला वाला सरासर गलत है। जो अधिकांश जीव जो होते हैं ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड है वायुमंडल नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, ये बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जो है वो जैविक है, ये भी सही है। तीसरा है वायुमंडल में बिजली चमकने से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, ये भी सही है, वायुमंडल में जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, तो यहाँ दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर है बी, यानी केवल दो और तीन। तेरहवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। देखिए सक्सेशन अनुक्रमण की कौन सा कथन जो है व्याख्या करता है। देखिए ये सब टर्म्स जो है आप जब NCERT पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेंगे, और देखिए दोस्तों आप लोगों की काफी प्रॉब्लम आ रही है कि NCERT बुक मिल नहीं रही है पुरानी, देखिए मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे पास हैं NCERT की जो ज्योग्राफी की पुरानी बुक्स हैं वो हैं मेरे पास, तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा कौन से चैनल से मिलेंगी, और बहुत जल्द मैं आपको एक FB पेज भी क्रिएट करूंगा जिसके जरिए मैं ये डाल सकूं PDF बुक, तो आपको वहां से सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो आप थोड़े दिन का वेट कर लीजिए बस। पहला है निम्न में से कौन सा कथन अनुक्रमण की सही व्याख्या करता है। पहला है किसी भी परिस्थिति में मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का शिकार कर उसकी संख्या को नियंत्रित करना, देखिए ये गलत है, ये अनुक्रमण की व्याख्या नहीं करता है। यानी सेकंड है किसी भी परतंत्र में जीवधारियों द्वारा खनिज तत्वों को अकार्बनिक रूप से ग्रहण करना, देखिए ये भी गलत है, ये भी जो है ये भी अनुक्रमण की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। तीसरा है किसी भी परतंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा
प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन। ये सही है कि किसी भी पारितंत्र का प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन, इसे कहते हैं अनुक्रमण। तो यहाँ 13 का आंसर है सी। तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 16 पर अपने, जो आज का हमारा आखिरी चैप्टर इस बुक का, ये यहाँ पे बुक फिनिश हो जाएगी हमारी। ये है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है इसमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। ये बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जैव विविधता होती है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है, यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती जाती है, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती नहीं है बल्कि अधिक हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत हो गया, यहाँ पे केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल ए। सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता जो होती है वो आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं, दूसरा वाला सही है। तीसरा है, किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता, किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजाति की विविधता परतंत्रीय जैव विविधता कहलाती है, ये गलत है, ठीक है। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं, ना कि परतंत्रीय जैव विविधता, इसे प्रजाति जैव विविधता कहते हैं, तो परतंत्री नहीं कहते हैं, इसे प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे गलत है, तीसरा वाला, यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तो आंसर है केवल एक और दो। तीसरा है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। देखिए जैव विविधता के कम होने का सबसे मूल कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आगमन, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। जैव विविधता का कम होने का मुख्य कारण ये है कि जो जो जिनके हैबिटेट्स हैं, जिन जिनके निवास हैं, शेल्टर्स हैं, उनका जिन जिन प्राणियों के निवास हैं उनका नष्ट होना, यानी आवासीय विनाश के कारण जैव विविधता कम होती जा रही है। तो यहाँ तीसरे का आंसर है डी। चौथा है हमारा, संकटापन पौधों व एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। पौधों व जीवों की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु रेड लिस्ट नाम से सूचना किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। देखिए रेड लिस्ट जो है, एंड जो रेड लिस्ट जारी की जाती है एंडेंजर्ड स्पीसीज की, ठीक है, तो ये की जाती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN के द्वारा। तो यहां आंसर है बी। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। देखिए निम्न में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं बताना है। वैश्विक तापन, ये बिल्कुल सही है, वैश्विक तापन भी जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, और विदेशी प्रजाति का संक्रमण ये भी हो सकता है। और चौथा है, शाकाहार को प्रोत्साहन। देखिए चौथा वाला गलत है, शाकाहार को प्रोत्साहन होने से जैव विविधता का संकट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर है सी। छठा प्रश्न है हमारा, वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरणीय संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ऑफ फ्लोरा एंड फौना ने इस प्रकार के पौधों व जीवों की प्रजातियों किस वर्ग में रखा है। देखिए इन इन जो प्रजातियों को जिन्हें यह संरक्षित नहीं किया गया या विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो इन्हें रखा जाता है सुभेद प्रजातियों में, यानी वल्नरेबल में रखा जाता है, वल्नरेबल स्पीसीज में रखा जाता है, यानी सुभेद प्रजातियों में आता है। ये जो डेफिनेशन दी गई है, होने का खतरा है, खतरे से मतलब ये है कि इन्हें वल्नरेबल में रखा गया है, ये विलुप्त नहीं हुई है अभी, ठीक है। तो छठे का आंसर है बी। सातवां है, देखिए ये जो है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये आया भी है UPPCS में और इवन इफ IAS एग्जाम में भी आया है। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। रेड पांडा देखिए जो पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तरी अरुणाचल में, ठीक है, उत्तरी अरुणाचल में पाया जाता है। तो पहले का है चौथा, यानी उत्तरी अरुणाचल, एक का चौथा। जेनकेरिया सेव सटनी, देखिए जेनकेरिया सेव सटनी जो पाया जाता है, प्रजाति जो पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी अगस्त मलाई शिखर पर, जो अगस्त मलाई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पाई जाती है। हम्बोशिया डेकरेंस बेड,
हम बोसिया डेकरेंस बेट पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी घाट पर, हम बोसिया डेकरेंस बेट ये प्रजाति। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ठीक है, गौड़ावड़ बोलते हैं, गौड़ावड़ गौड़ावड़ पक्षी भी बोलते हैं, ग्रेट इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में से गौड़ावड़ भी कहते हैं राजस्थान में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पाया जाता है राजस्थान में, यानी कि इसे गौड़ावड़ बोलते हैं पक्षी को, तो ये प्रजाति पाई जाती है राजस्थान में। तो यहां आंसर है सी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। आठवां है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। देखिए इन सभी की जो स्थापना की गई है वो की गई है नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत, यानी कि यहाँ पे डी वाला सही, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। नवा प्रश्न है, महाविविधता केंद्र मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, मेगा डाइवर्सिटी जो जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित, तो पहला वाला है सही है। सेकंड है ये वन्य जीवों की विविधता द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, देखिए सेकंड वाला गलत है, ये वन्य जीवों की विविधता द्वारा परिभाषित नहीं किए जाते हैं बल्कि इनमें जो होती है जीव जीव जंतुओं की विविधता होती है, तो सेकंड वाला यहाँ गलत है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल ए। दसवां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन से हैं बताने हैं आपको। देखिए पूर्वी हिमालय ये हमारा एक हॉटस्पॉट है, पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है, पश्चिमी हिमालय घाटी भी हॉटस्पॉट है, सुंदरवन डेल्टा नहीं है हॉटस्पॉट, सुंदरवन डेल्टा नहीं है, तीसरा वाला गलत है, यहाँ पे केवल पहला दूसरा सही है, तो आंसर है डी। तो दोस्तों ये था मेरा लेक्चर, अगर आज को आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग चीज़ों को शेयर भी करते रहिए और धैर्य रखिए और आराम से पढ़ाई भी करते रहिए। देखिए दोस्तों इसके बाद मेरा प्लान ये है कि एक तो मैं क्लास ट्वेल्थ की पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा, वहाँ पे दो बुकें हैं, दोनों बुकें कंप्लीट करवाऊंगा, और साथ ही साथ मैंने सोचा है जो मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो उनके भी मैं वीडियो आप तक लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए मैप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं उनके भी वीडियो आपके साथ के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि ज्योग्राफी सेक्शन जो आपका है मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में आते हैं और पीसीएस में भी आते हैं एक दो क्वेश्चन, वो आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं वो कॉन्टिनेंट वाइज कॉन्टिनेंट यानी कि एक कॉन्टिनेंट सबसे पहले मैं अफ्रीका लूँ या उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट लूँ, कोई एक कॉन्टिनेंट वाइज कॉन्टिनेंट मैं कवर करवाऊंगा आपके, ठीक है, मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो मैं इस तरह से नहीं उठाऊंगा कि कहीं का कहीं उठा लिया, ऐसा नहीं करूंगा, मैं कॉन्टिनेंट वाइज प्रश्न उठाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।